गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो अपने ओवरऑल जो है सेटअप की प्रोग्रेस के ऊपर होने वाला है, क्योंकि लगभग एक मंथ से थोड़ा सा ज़्यादा, तो कह सकते हैं कि एक मंथ हो गया है अपने सभी पेयर्स को जो है मटकी या बॉक्सेस दिए हुए। तो आज जो है हम चेक करेंगे कि किस मटकी किस बॉक्सेस में क्या प्रोग्रेस चल रही है, किस कौन सा पेयर सेट हुआ, कौन सा पेयर सेट नहीं हुआ। तो स्टार्टिंग फ्रेंड्स इधर से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर सीरियल से ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे ख़त्म करेंगे इस पोर्शन पे, फिर लास्ट में दोनों कॉलोनी का आपको प्रोग्रेस बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ये पहला पेयर नॉन रिंग का पेयर है, जिसमें क्रिमिनो और सिनेमन ऑफलाइन का पेयर पूरा है। इसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। फ्रेंड्स ये पहला बॉक्स है, यहाँ शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने इस पर डेट डाल रखी है 6 तारीख, तो आई थी 6 तारीख पहले से ही आई है। तो फ्रेंड्स 4 अंडे इसमें आ चुके हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। ये मेरा फेवरेट पेयर है, बच्चे अच्छे पालता है, 5-5 बच्चे जो है देता है। तो इसमें पेयर एक मूव पाइड का और वॉलेट फिशरी का पेयर है पार ब्लू का, जो कि अंदर बैठा हुआ है। नेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है, प्रोग्रेस अभी कुछ नहीं आई हुई है। ये फीमेल है और ये सामने जो है ये मेल है। तो चलते हैं अगले बॉक्स की तरफ। तो इसमें वॉलेट का जो है पूरा पेयर है पार ब्लू का, नेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट है इसकी, बट प्रोग्रेस अभी नहीं आई है। सामने वो पेयर बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अभी इन दोनों की नेस्टिंग हो रही है। एक्चुअली क्या है ना कि ये कॉलोनी पे ब्रीड करते थे, अब सेपरेट लगाया है, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बट जल्दी सेट हो जाएंगे। एक ये मेरा पेयर है, ये मेरा जो है लुटिनो ब्लैक आई का पेयर है, इसकी देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। तो इसकी 4 अंडे की लेइंग आ चुकी है फ्रेंड्स, ये पूरा पेयर है। तो ये पेयर है फ्रेंड्स, 4 अंडे की लेइंग आ चुकी है। फर्टिलिटी एक बार चेक कर लेना चाहूँगा मैं। तो फ्रेंड्स ये इस पेयर की प्रोग्रेस रही, और बाकी जो है ये हमारा कॉकटेल का पेयर है, सारे बैठे हुए हैं। इनको ज़्यादा दिन मटकी बॉक्सेस दिए हुए नहीं हुआ है, फिर भी आपको एक बार चेक करा देते हैं। ऊपर वाले में भी कोई प्रोग्रेस अभी होगी नहीं, वहाँ तक हाथ मेरा पहुँच नहीं पाएगा, इसलिए मैं प्रोग्रेस नहीं दिखा पाऊँगा। तो फ्रेंड्स अब दिखाते हैं आपको होगोरोमो की प्रोग्रेस अपने। ये मेरा एक पेयर होगोरोमो यहाँ पे है, जो इसमें ब्लैक आई अल्बाइनो ब्लैक आई का मेल है, और जो है कॉमन होगोरोमो की फीमेल है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा, पहला बच्चा हैच हो चुका है, अभी हैच हुआ है। तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, मेरे यहाँ होगोरोमो की प्रोग्रेस आना शुरू हो चुकी है। और ये मेरा दूसरा पेयर है, जिसमें वॉलेट स्पेंगल का मेल है और जो है वॉलेट की फीमेल है। फ्रेंड्स अंडे लेके ये भी बैठी हुई है, इसकी भी प्रोग्रेस आना शुरू हो जाएगी। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अपने इस पेयर के लिए, और उम्मीद करूँगा कि ये बच्चे अच्छे से पाले हैं। बहुत एक्सेप्टेशन है मुझे इन तीनों पेयर से, और फ़िलहाल अभी तो ये पेयर मेरा सेट नहीं हो पाया है। फीमेल मटकी पे बैठना स्टार्ट कर दी है, अभी लगभग 1 महीने के आसपास लेगी अंडे ले करने में। तो उम्मीद करूँगा जल्दी से सेट हो जाए और प्रोग्रेस कुछ आना शुरू हो जाए। तो आपसे भी दुआ करूँगा कि आप लोग भी दुआ करो कि जल्दी से जल्दी पेयर सेट हो जाए और जो है ब्रीड पे आ जाए। तो फ्रेंड्स अब स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपने 3 पेयर जो है मेरे लब्बट के पेयर हैं, उनकी प्रोग्रेस मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग करूँगा यहाँ से। यहाँ मेरा एक पाइड का पेयर है, पार ब्लू पाइड का, तो वो जो है देखें उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो मेल फीमेल दोनों फ्रेंड देखिए अंदर बैठे हुए हैं,
और अंडे ले करके बैठे हुए हैं, अंडे को हैच कर रहे हैं। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे तो फ्रेंड्स, पेयर को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चुपचाप बाहर मैं निकल आया हूँ। यहाँ पे ये मेल है और फीमेल अंदर बैठी हुई है। पूरा पेयर आपको दिखा दिया है। ये अगला पेयर है, ये मेल बाहर बैठा है स्प्लिटिनों का, और फीमेल अंदर होगी शायद। इसकी भी लेइंग आना शुरू हो गई होगी जहाँ तक मुझे एक्सेप्टेशन है। बाकी देखते हैं क्या प्रोग्रेस है। हाँ जी फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, दो एग्स आ चुके हैं इसके भी, तो ये खुशी की बात है। ये पूरा मेरा पेयर है तो, और इसके नीचे जो है मेरा रेड आई टू रेड आई पेयर है मेरा जो है। इसमें अल्बाइनो टू क्रीमिनो मैंने लगाया है, रेड टू रेड का पेयर। पता नहीं ब्रीड क्या आएगी क्या नहीं आएगी, बट अपने से लग गया तो मैंने छोड़ भी दिया उनके हालात पे उनको। तो फ्रेंड्स ये है पेयर, ये पेयर है फ्रेंड्स। आई थिंक एक अंडे तो दिख रहे हैं, ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं तो प्रोग्रेस ख़राब हो सकती है। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं बजरी की प्रोग्रेस क्या चल रही है। अभी फ़िलहाल में जो है एक पेयर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया था इस कॉलोनी में, वो अपने जो है बच्चे पाला नहीं, तो लगभग 2 से 3 बच्चे उसने मार दिए, तो उसमें बहुत ही मैं दुखी हुआ। फिर भी बहरहाल जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जितना नसीब में लिखा होता है उतना ही मिलता है। तो चेक करते हैं अगला इनका प्रोग्रेस कि क्या चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो स्टार्टिंग फ्रेंड्स नीचे से करेंगे। तो जो प्रोग्रेस थी आपको दिखा दी, मेरा मैं तो नहीं देख पाया बट आप देख लिए होंगे। और बाकी ये जो है यहाँ पे नॉन रिंग की कॉलोनी है मेरी, इसमें अभी कुछ पेयर सेट नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा सा उनकी एज भी कम है और टाइम भी लेंगे। तो उम्मीद करूँगा ये भी जल्दी से जल्दी सेट हो जाएं, जिससे कि इसमें भी ब्रीड आ जाए। बाकी ये सरप्राइज़ आपके लिए है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा यहाँ पर क्या है और यहाँ पर क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो यहीं तक थी, प्रोग्रेस में आपको मज़ा आया होगा। कौन सा आपका फेवरेट पेयर रहा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और बताइएगा कि सेटअप में क्या इम्प्रूवमेंट मुझे करना चाहिए या कौन से और बर्ड्स मुझे परचेस करने चाहिए, तो उसका लाजमी आप बताइएगा। तो फ्रेंड्स ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर।